होली पर होली के जनप्रतिनिधियों व नागरिकों की उपस्थिति में विशेष बैठक रखा गया। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष SDM SDO थाना प्रभारी डॉक्टर नगर पालिका अधिकारी सहित जनप्रतिनिधियों की रही उपस्थिति। SDM मैडम, CMO नगर पालिका तहसीलदार साहब, TI खैरागढ़ और गणमान्य नागरिक सभी के जनप्रतिनिधि पटवार पत्रकार भाई बंधु के बीच में हुआ। इस शांति समिति में कोरोना बीमारी को देखते हुए कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं और होली शांतिपूर्ण मनाने के लिए सबको बताया गया ताकि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे। धन्यवाद। आज खैरागढ़ क्षेत्र में शांति समिति का की बैठक का आयोजन किया गया था। आगामी होली गुड फ्राइडे शब्द बारात पर्व को देखते हुए आयोजित किया गया था। मेन जो मुद्दा था वो था कोरोना की गाइडलाइन को देखते हुए आगामी त्यौहारों को सेलिब्रेट करने के लिए गणमान्य नागरिकों एवं फोटवारों को सूचित किया गया। सभी से ये अपील की गई कि जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हमारे क्षेत्र में 11:44 दाम है, तो होली का त्यौहार जो लोग सेलिब्रेट करेंगे उसमें किसी भी प्रकार का सामूहिक आयोजन नहीं होगा, व्यक्तिगत रूप से आयोजन होंगे। इसके अलावा भी यदि किसी भी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक या अन्य आयोजन किए जाने में जो होते हैं उनके सभी पर प्रतिबंध लगेगा। यदि किसी को विवाह, अंत्येष्टि या किसी भी प्रकार की आयोजन करने तो उसके लिए उन्हें SDM से सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी, उसके बाद ही कार्यक्रम आयोजित। मैडम, सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह शराब दुकान और बैंक है, उन पर इस प्रकार से रोक लगाई जाएगी, कैसा होगा? रोक की तो अभी मुझे जानकारी नहीं है, परंतु जैसा कि आपको भी पता है कि बैंक में हम निरंतर टेस्टिंग करवा रहे थे, शराब दुकान में भी लास्ट टाइम हम चेकिंग करवा चुके हैं। हमने मैंडेटरी किया था कि जो भी लेगा शराब परचेज करेगा उसके पहले उसको टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। फ्यूचर में भी हम ये चेक करेंगे।